नमस्कार। मणिगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इंडेक्स फंड ऐसे फंड जो किसी भी मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो आज हम समझेंगे इंडेक्स फंड का फंडा। इंडेक्स फंड का पिछले कुछ समय में प्रदर्शन कैसा रहा है, पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड को अगर आपको शामिल करना है तो क्या रखना है ध्यान, क्या है इसके फायदे, एक्टिव फंड से कितने अलग है इंडेक्स फंड या फिर पैसिव फंड के जोखिम क्या है, ये तमाम ऐसी बारीकियां हैं जिस पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, फिरोज अजीज डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, और साथ ही निरंजन अवस्थी हेड प्रोडक्ट्स एडवाइस एएमसी। फिरोज और निरंजन, आप दोनों का बहुत स्वागत है मणिगुरु के आज के इस खास शो में। हम यहाँ पर इंडेक्स फंड या फिर पैसिव फंड जैसे काफी ज्यादा फेमस है, ये इसके तौर पर इनको जानते हैं। फिरोज, मैं आपसे शुरुआत करूं तो इंडेक्स फंड या फिर पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स या पैसिव फंड जिन्हें कहा जाता है, पिछले कुछ साल में अगर हम इनके ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से या फिर एयूएम के लिहाज से या फिर रिटर्न के लिहाज से इन्हें थोड़ा सा अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो कैसा है इनका प्रदर्शन? देखिए, जैसे आप, नमस्कार स्वाति जी, जैसे आपने कहा कि इंडेक्स फंड की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी बड़ी है, आंकड़े भी यही कहते हैं। चार साल पहले 2016 में, चार पांच साल पहले 2016 के मिड में ये 52 स्कीम्स थे, सिर्फ 20,000 करोड़ की एयूएम थी। आज 211 स्कीम्स हैं, ETF और इंडेक्स फंड दोनों को मिला सकते हैं बिकॉज देयर इज सम डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी इन कंस्ट्रक्ट। तो अब 400,000 करोड़ का एयूएम है और 211 स्कीम्स हैं। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि काफी एयूएम भी बड़ी है और नंबर ऑफ स्कीम्स भी बड़ी है, तो वर्सेटैलिटी इस कैटेगरी की काफी रोबस्ट हुई है ओवर द लास्ट 5-6 इयर्स। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर मैं प्रदर्शन देखूं तो ऑफकोर्स डिपेंड्स ऑन मैं इसको किसके साथ कंपेयर करता हूं। अगर वो रेलेवेंट इंडेक्स के साथ कंपेयर करता हूं तो इंडेक्स फंड का महत्वपूर्णता यह है कि वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, तो उससे इर्द गिर्द ही रहता है, तो इससे एक्स्ट्रा रिटर्न की आप उम्मीद कर नहीं सकते क्योंकि ये इंडेक्स को ट्रैक करता है। सो पॉइंट वन। पॉइंट टू, एक्टिव के मुकाबले में देखूं तो काफी सारे एक्टिव ये भी हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं, काफी सारे एक्टिव फंड्स हैं जो आउट परफॉर्म नहीं करते। कुल मिलाकर 200 एक्टिव स्कीम्स में से 100 एक्टिव स्कीम्स आउट परफॉर्म करती हैं। अगर आप उन 100 में हैं तो प्रदर्शन इंडेक्स फंड का कम रहा है। अगर आप दूसरे 100 में हैं जो आउट परफॉर्म नहीं करती, उससे अगर तुलना कर लें तो इंडेक्स फंड्स बेटर हैं। सो पॉइंट वन इज इंडेक्स फंड्स एसेट्स हैव इंक्रीज, नंबर ऑफ स्कीम्स हैव इंक्रीज। पॉइंट टू इज परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से उनकी इंडेक्स को मिरर करने की थी। एक्टिव मैनेजमेंट में काफी वर्सेटैलिटी रही है, तो अच्छी स्कीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी दिया है एक्टिव के मुकाबले। सो इंडेक्स फंड डज नॉट गिव यू द एक्स्ट्रा रिटर्न व्हिच यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग। ओके, मैं निरंजन इस पे आपका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी। इंडेक्स फंड में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी अगर बढ़ी, जो फिगर्स यहां पर कोट किए हैं फिरोज ने, उसके बेसिस पर और आपके अपने भी जो एनालिसिस है इंडेक्स फंड और पैसिव स्पेस को लेकर, पॉपुलैरिटी अगर बढ़ी है निवेशकों में, अगर निवेशक अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड या पैसिव स्ट्रैटेजी ऐड कर भी रहे हैं, तो क्या इसके मेन रीजंस हैं इसके पीछे के? नमस्कार स्वाति जी, जैसे फिरोज जी ने बताया, काफी नंबर्स में तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलैरिटी बढ़ी है। इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण ये है कि काफी नए निवेशक बाजार में आए हैं, म्यूचुअल फंड्स में आए हैं निवेश करने के लिए, और इन नए इन्वेस्टरों में एक DIY इन्वेस्टर का जो ग्रुप है वो भी काफी तेजी से बढ़ा है। तो जनरली इंडेक्स फंड्स DIY इन्वेस्टर्स के लिए काफी आसान रहे हैं चूज करने के लिए, बिकॉज उनके साथ फाइनेंशियल एडवाइजर्स का साथ नहीं होता है। और एक स्पेशलिटी है जो इंडेक्स फंड्स की या पैसिव फंड्स की होती है कि वो चॉइस करने में या चूज करने में काफी सिंप्लिसिटी होती है वहां पे, क्योंकि आपके पास एक्टिव फंड्स काफी है, उनके स्ट्रेटजीज आपको एनालाइज करने पड़ते हैं, रिव्यू करने पड़ते हैं। और जब DIY इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक सिंपल चॉइस होता है इंडेक्स फंड्स, वेदर इट इज निफ्टी इंडेक्स फंड्स, और डेट साइड में टारगेट मैच्योरिटीज की भी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ी है जब से हमने भारत बॉन्ड लॉन्च किया था एडवाइस की तरफ से 2019 में, उसके बाद में डेट साइड में भी पैसिव फंड्स की पॉपुलैरिटी है। इसका मेन रीजन वही है, सिंपल है और ज्यादा इसमें
एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती DIY इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी है पॉपुलैरिटी ओवरऑल भी बढ़ी है क्योंकि काफी AMCs जैसे फिरोज जी ने बताया नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ी है, तो काफी AMCs भी इसकी जागरूकता बढ़ा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अपने निवेशकों को बता रहे हैं कि ये भी एक ऑप्शन है उनके लिए अपार्ट फ्रॉम एक्टिव फंड्स निवेश करने के लिए। सो ये दो रीजंस मैं मानता हूं जिसके वजह से इंडेक्स फंड्स या पैसिव फंड्स ओवरऑल की पॉपुलैरिटी पिछले दो सालों में बढ़ी है, दो तीन सालों में बढ़ी है। ईज ऑफ इन्वेस्टिंग और यही एक बड़ा रीजन है कि जो DIY या डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स हैं जिनकी संख्या एक्चुअली आजकल के टाइम में फिरोज काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो इंडेक्स फंड या पैसिव स्पेस को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडेक्स फंड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये हमने एक बिहेवियरल एस्पेक्ट इसका समझा निरंजन से, प्लस उसके और क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर हम इंडेक्स फंड उनकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इनके फायदे समझे तो क्या वो उसके फीचर्स हैं जो इसको अलग बनाते हैं, जो इसकी खूबियों में इसको शामिल करते हैं? स्वाति जी, ये इंस्ट्रूमेंट की मेरे हिसाब से एक ही वैलिड खूबी है जो कि लोअर कॉस्ट है। लोअर कॉस्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है। अब ये इंपॉर्टेंट खूबी डेट साइड में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि डेट में जो आप कमाई करते हैं, गवर्नमेंट का पेपर है सेंट्रल बैंक का, अगर 10 साल का है 7.3% का उदाहरण के तौर पे, अगर उसमें अगर आप 1% की कॉस्ट दे देंगे फंड मैनेजर को, कुछ भी इतना काम नहीं होता है डेट में, तो आपकी रिटर्न 7.3 से घट के 6.3 हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा डिप होता है। तो मेरे हिसाब से डेट में जो कॉस्ट बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी रिटर्न 15% की नहीं होती, 10% की नहीं होती, 12% की नहीं होती। इक्विटी में फिर भी अगर कॉस्ट बचाने जाते हैं तो वैल्यू भी चली जाती है, बट डेट में कॉस्ट बचाने जाते हैं तो बहुत अच्छी रणनीति है क्योंकि है ही इतने से पैसे, अब उसमें से मैं खर्च ज्यादा कर दूंगा तो बचेंगे कम, राइट? सो इफ यू आर अर्निंग 15% उसमें से 1.5% दे देना इतना कठिन काम नहीं है, बट 7 में से 1% दे देना बहुत। सो डेट साइड पे लो कॉस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे निरंजन जी ने भी बताया कि उन्होंने भारत बॉन्ड ETF पहले चालू किया था 2-3 सालों पहले, वो काफी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, फिर टारगेट मैच्योरिटी फंड करके एक दूसरी एक कैटेगरी भी चालू हुई, इंडेक्स फंड्स डेट साइड पे पैसिव्स काफी पॉपुलर हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से उससे बेहतरीन रणनीति डेट में नहीं हो सकती। बट इक्विटी साइड में मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है क्योंकि बेस्ट इक्विटी स्कीम और वर्स्ट इक्विटी स्कीम में 28% का डिफरेंस है हर साल, लास्ट 21 साल की अगर आप एवरेज लें बेस्ट म्यूचुअल फंड और वर्स्ट में 28% का साल दर साल का डिफरेंस है, उसमें अगर आप 0.5%, 0.1% बचाने जाते हैं तो काफी नुकसान कर बैठते हैं, मेरा ये मानना है। सो आई थिंक पैसिव इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी ऑन डेट साइड। अगर आप देखें जो कैटेगराइजेशन सेबी ने दी थी 2018 अक्टूबर में, तो अगर मैं कैटेगरी बाय कैटेगरी जाऊं तो मिड कैप में 64% ऑफ द स्कीम्स हैव आउटपरफॉर्म्ड द बेंचमार्क, लार्ज कैप में सिर्फ 40% हैव आउटपरफॉर्म्ड द बेंचमार्क, बट फिर भी 40% ऑफ द स्कीम्स हैव आउटपरफॉर्म्ड द बेंचमार्क, 51 इन स्मॉल कैप कैटेगरी, इन मल्टी कैप कैटेगरी 42, तो आउटपरफॉर्मेंस खत्म नहीं हुआ है। इसलिए इक्विटी साइड पे यू शुड परसू अल्फा, डेट साइड पे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड बहुत अच्छी रणनीति होगी। ओके, इक्विटी साइड पे अल्फा चेस करें और डेट साइड पर लो कॉस्ट। इस पर निरंजन आपका क्या मानना है? अगर हम हमने यहां पर लो कॉस्ट की बात की, ये क्या एक ओनली फैक्टर या एक बिग फैक्टर है इन्वेस्टर्स के सामने इन योर व्यू, जो आपने स्टडी किया है इतने सालों से इन्वेस्टर्स का बिहेवियर, कि वो एक लो कॉस्ट फंड की तरफ जाना पसंद करते हैं, और उसके अलावा और कौन से ऐसे फीचर्स हैं या कौन से ऐसे अपसाइड्स या डाउनसाइड्स हैं किसी पैसिव स्ट्रेटजी के जो कि एक निवेशक देखना और समझना ज्यादा जरूरी समझता है? डेफिनेटली कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, और जैसे फिरोज जी ने बताया डेट साइड में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्पेशली डेट साइड में जो पैसिव फंड्स आए हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड, उसकी एक खूबी है और खासियत है, वो है विजिबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। क्योंकि काफी समय तक जब हमने भारत बॉन्ड या टारगेट मैच्योरिटी फंड सेडल वाइज में पहले चालू किए थे, हमने यही देखा कि निवेशकों का जो एक्सपीरियंस है
स्पेशली ऑन द एक्टिव डेट साइड, यहाँ पे रिटर्न्स जो है कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हम फिक्स्ड इनकम या डेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं रिटर्न स्टेबिलिटी काफी महत्वपूर्ण होता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये एफडीज वगैरह यहां से आकर डेट म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, तो वैसा एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव डेट में इंडिया में आज जो भी फंड्स है, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स या भारत बॉन्ड विच इज अगेन अ टारगेट मैच्योरिटी फंड, इसमें एक विजिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स आपको काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर सपोज आज यील्ड अराउंड बाजार में जो यील्ड्स है वो अराउंड 7-7.5 है, तो निवेशकों को ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें वो पैसा लगाए और लगभग 3 या 5 या 10 साल जो भी अवधि के लिए वो पैसे लगा रहे हैं इसमें क्या रिटर्न बनेगा उसके आसपास एक अनुमान उनको मिलना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट नीड थी इन्वेस्टर्स की। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स और टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड्स ये नीड को इन्वेस्टर्स की नीड्स को मैच करते हैं और इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट। कॉस्ट अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू डेट, लेकिन ये जो है विजिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स का है, कितना रिटर्न्स बन सकता है इसका अनुमान होना, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेट साइड में। ऑन द इक्विटी साइड डेफिनेटली कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एज इंपॉर्टेंट जितना की डेट साइड है, लेकिन इक्विटी में जो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो मार्केट रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में मिल सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा, आज जो निवेशक के पोर्टफोलियोज है उसमें डेफिनेटली काफी मात्रा में एक्टिव फंड्स है। अभी एक्टिव फंड्स शॉर्टर टर्म पीरियड में ये बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन स्ट्रेटजी, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स है ये कोई सेक्टर पे या किसी सेक्टर्स पे या थीम्स पे ओवरवेट या अंडरवेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में ये फंड अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म में अल्फा जरूर दिया है। तो शॉर्ट टर्म में जो अंडर परफॉर्मेंस आती है इसका रिस्क कम करने के लिए भी पैसिव फंड्स पोर्टफोलियो में होना एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हो सकती है, और ये एक फीचर होता है क्योंकि पैसिव फंड्स में आपके जो मार्केट के रिटर्न है उसके मुताबिक आपको रिटर्न मिल सकते हैं, जिससे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो स्टेबिलिटी चाहिए वो आ सकती है। क्योंकि कुछ पीरियड्स ऐसे हो सकते हैं जैसे मैंने बताया एक्टिव फंड्स अंडर परफॉर्मेंस करते हैं, तब पैसिव फंड्स आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट कर सकते हैं। सो कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अंडर परफॉर्मेंस इन योर पोर्टफोलियो ऑफ एक्टिव फंड्स इज ऑल्सो अनदर फैक्टर बेसिकली। ओके, एंड फिरोज, इसमें ये बात समझना जरूरी है, जब भी हम यूजुअली पैसिव फंड्स या फिर एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन पर तो और डिटेल में हम आते हैं, बट एक टर्म बहुत ज्यादा यूज करने को मिलता है और मेरे ख्याल से वो शायद इंडेक्स फंड की खासियत में हम उसको गिन सकते हैं, आप थोड़ा सा मुझे इसको एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे दर्शकों को भी, वो है ट्रैकिंग एरर। हम यूजुअली ट्रैकिंग एरर कहते हैं कि इंडेक्स फंड में जो ट्रैकिंग एरर होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या आप हमें समझा सकते हैं ट्रैकिंग एरर की इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है? ये ट्रैकिंग एरर एक फॉर्मूला है, बट उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रिटेल निवेशक को इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर एक फंड मैनेजर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक बेंचमार्क को ट्रैक करना, समझिए कि कोई इंडेक्स फंड है जिसका काम है कि निफ्टी के इर्द गिर्द रहना है उसमें, तो उसको वो कितनी करीब से ट्रैक कर सकता है बोथ रिस्क और रिटर्न पे, उतना अच्छा वो फंड इंडेक्स फंड माना जाएगा। क्योंकि अगर निफ्टी अगर 2% ऊपर जाती है तो उसने भी 2% ही ऊपर जाना है, अगर निफ्टी 2% गिरती है तो उसका काम है, महत्वपूर्णता यह है कि वो भी 2% गिरे। सो इंडेक्स फंड की ट्रैकिंग एरर वो है जो एक मेजर है, मैथमेटिकल मेजर है, जो ये बता सके कि वो इंडेक्स फंड अपना काम बखूबी निभा रहा है कि नहीं। अगर वो ट्रैकिंग एरर छोटी होगी तो इसका मतलब कि वो फंड जो इंडेक्स फंड है वो इंडेक्स के इर्द गिर्द ही है, और जितनी कम ट्रैकिंग एरर उतना बेहतरीन वो इंडेक्स फंड अपना मैंडेट को पूरा कर रहा है, जो उसका कर्तव्य है वो पूरा कर रहा है कि नहीं। अगर ट्रैकिंग एरर बड़ा होता है मतलब वो अपना काम बखूबी नहीं निभा रहा है। तो व्हेन यू चूज एन इंडेक्स फंड, जितना कम ट्रैकिंग एरर हो उतना आप संतुष्ट हो सकते हैं और उस स्कीम को चूज कर सकते हैं अगर आप खरीद रहे हैं। अगर खरीद चुके हैं तो उसकी ट्रैकिंग एरर जानना बहुत जरूरी है और उनको पहचानने के लिए। ओके, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, और ब्रेक के बाद भी फिरोज और निरंजन से चर्चा जारी रहेगी। एक अच्छा इंडेक्स फंड आप अपने लिए कैसे चूज कर सकते हैं,
क्या आपको एक पर्टिकुलर एक्सपोजर परसेंटेज है जो आपको एक्टिव और पैसिव फंड के बीच में रखना चाहिए अब किसी अपने एक पोर्टफोलियो में? इस पर भी चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हमारे साथ हैं आनंद राठी से, फिरोज अजीज और एडवाइज एएमसी से निरंजन अवस्थी से हम कर रहे हैं खास चर्चा। इंडेक्स फंड पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। निरंजन, किसी को अपने लिए एक अच्छा इंडेक्स फंड चूज करना है तो ये समझना जरूरी है कि एक इंडेक्स फंड में किसी को चूज करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यूजुअली कहा जाता है, जैसे आपने शुरुआत में बोला, जो DIY इन्वेस्टर्स हैं वो इंडेक्स फंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। तो एक अच्छा इंडेक्स फंड कैसा हो, हमने इसके अपसाइड्स की तो बात की है पर कुछ डाउनसाइड रिस्क भी हैं जो निवेशकों को ध्यान में रखने की जरूरत है? यस डेफिनेटली स्वाति जी, इंडेक्स फंड सबसे पहले अंडरलाइंग एसेट्स कौन सी है और उसके रिस्क क्या है ये आपको पता करना चाहिए। इंडेक्स फंड्स, अगर आप इक्विटी इंडेक्स फंड्स चूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी अंडरलाइंग रिस्क इक्विटी के बराबर होगी। अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स चूज कर रहे हैं या स्मॉल कैप या मिड कैप, इसमें कितनी वोलेटिलिटी है इसका जानकारी रखना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ट्रैकिंग एरर, जिसकी हमने डिटेल में बात की थी, क्योंकि ट्रैकिंग एरर ये आपके कॉस्ट में ऐड होता है। अगर ट्रैकिंग एरर कोई इंडेक्स फंड का ज्यादा है विच मींस उतना रिटर्न आपको कम मिलेगा, विच इज एज गुड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट इंडेक्स फंड। सो ट्रैकिंग एरर जिस इंडेक्स फंड का कम है विद इन दैट कैटेगरी, अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड चूज कर रहे हैं तो उसी कैटेगरी के सिमिलर इंडेक्स फंड आप कंपेयर करें, ट्रैकिंग एरर कंपेयर करें और फिर चूज करें। तीसरी चीज है कॉस्ट, क्योंकि आप इंडेक्स फंड्स भी देखेंगे सेम कैटेगरी में कॉस्ट जो है 0.10% से लगभग 0.6-0.8 तक भी जा सकती है। तो डेफिनेटली लोअर द कॉस्ट बेटर इट इज, लेकिन कॉस्ट के साथ साथ ट्रैकिंग एरर और अंडरलाइंग एसेट कौन सी है, ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है एक इंडेक्स फंड चूज करने में। ओके, तो ये कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। और फिरोज, किसी के पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड या एक बेसिकली एक पैसिव स्ट्रेटजी और एक एक्टिव स्ट्रेटजी, उन दोनों के अपने अपने रोल क्या होने चाहिए? कहने का मतलब ये कि एक्टिव फंड का एक्सपोजर कितना या फिर पैसिव फंड का एक्सपोजर कितना होना चाहिए, क्या क्या ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? यस स्वाति जी, डेफिनेटली अपनी करंट स्थिति के हिसाब से, इन्वेस्टर की स्थिति के हिसाब से दोनों में प्रोपोर्शंस या एक में बिल्कुल नो प्रोपोर्शन भी हो सकता है। अगर आप डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर है, DIY एज निरंजन एब्रिवेटेड इट, तो मेरे हिसाब से आपके लिए पैसिव जरूर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि काफी सारे एक्सटर्नल पोर्टफोलियोज मैं ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन देखता हूं तो वो निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी रिसर्च की डेप्थ नहीं होती, क्योंकि वो खुद से कर रहे हैं, उनका कुछ और भी काम है, तो वो मैक्सिमम दिन का आधा घंटा स्पेंड कर सकते हैं। अब आनंद राठी में हमने 18 लोग लगाए हुए हैं कि एक्टिव कौन सी स्कीम खरीदनी चाहिए, साल भर उनका वही काम होता है। तो अगर आप खुद से ही करना चाहते हैं तो पैसिव डेफिनेटली 30-40% भी एक वन पोर्टफोलियो में हो सकता है। और सेकंड, अगर आपने आपका अगर गोल शॉर्ट टर्म है थोड़ा सा, जैसे निरंजन जी ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स 2 साल तक अंडर परफॉर्म करते जाएं, बड़े बड़े दिग्गज लोग भी 2-3 साल अंडर परफॉर्म करते हैं, बट उसके बाद उनकी अल्फा वापस आती है और पूरी जो वक्त बीत चुका है उसको भरपान कर देती है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म अवधि है 3-5 साल, डेफिनेटली पैसिव इज द सेकंड रीजन व्हाई यू कैन हैव सम प्रोपोर्शन। अब रहा सवाल, अगर आपके पास अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर हो तो आपको पैसिव मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो 2013 में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया था निफ्टी में तो वो 3 करोड़ रुपया हुआ है। अगर हमने अगर एक्टिव फंड चूज किए लास्ट 9.5 साल में तो वो 300 रुपए होने के बदले 400 रुपए हुआ है, तो 100 रुपए इंसान के, हमारे निवेशक के एक्स्ट्रा बने हैं। आनंद राठी, वो 100 रुपए को जाने देना, 9 साल में 100 रुपए पे एक्स्ट्रा 100 रुपए, 103 रुपए कमाए उसने एक्स्ट्रा। सो इफ यू हैव अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर और अ गुड एडवाइजर, पैसिव को अगर आप नहीं भी रखते हैं तो मिस नहीं करेंगे। DIY इन्वेस्टर्स शुड डेफिनेटली हैव 30-50% इन पैसिव।
ओके मैं इनफैक्ट यही सवाल निरंजन आपसे भी करना चाहती हूँ कि एक कोई पर्टिकुलर जो एक्सपोजर है या एलोकेशन टुवर्ड्स एक्टिव या पैसिव एक पोर्टफोलियो में कैसा हो सकता है, जो आपने इन्वेस्टर्स को आपने भी स्टडी किया है तो उनकी एक्टिविज्म भी एक पैसिव स्ट्रेटजी कैसे शिफ्ट करती है, ये मैं आपसे ब्रीफली समझना चाहती हूँ। तो जनरली हम लोग जो देख रहे हैं एक पैटर्न है या फिर डेटा हमें बता रहा है, फिरोज जी ने काफी सही बताया, अगर एडवाइजर है तो आप पैसिव कम रख सकते हैं एक्टिव ज्यादा रख सकते हैं, और DIY है तो पैसिव पोर्टफोलियो ज्यादा बना सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है जो हमने देखा है इन्वेस्टर्स उस तरीके से निवेश कर रहे हैं, अगर आप कैटेगरी वाइज देख रहे हैं तो इक्विटी साइड में वी हैव लार्ज कैप मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप, ये लगभग 3-4 मेजर कैटेगरीज है। जो निवेशक या इवन एडवाइजर्स अपने निवेशकों को लार्ज कैप कैटेगरी में स्पेसिफिकली जहां पे अल्फा काफी कम हुआ है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, वहां पर पैसिव स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहे हैं। तो DIY इन्वेस्टर्स है या काफी कुछ एडवाइजर्स भी है, लार्ज कैप कैटेगरी में डेफिनेटली पैसिव फंड्स सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका लार्ज कैप पोर्टफोलियो लगभग 15-20% है तो उसके आसपास आप पैसिव फंड्स ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है बाकी कैटेगरीज में अभी भी काफी अल्फा जनरेशन एबिलिटी है एक्टिव फंड्स में। सो ये एक तरीका है जो हम पैसिव स्ट्रेटजी को देख सकते हैं इक्विटी साइड में। ऑन डेट साइड डेफिनेटली ये काफी अलग हो सकता है, क्योंकि डेट साइड में जो पैसिव फंड्स है हमने अभी डिस्कस किए थे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है, ये काफी अच्छे तरीके से निवेशकों को विजिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स देते हैं। तो वहां पर जो आपके एक्टिव फंड्स है वहां उसको आप लगभग 50-70% शिफ्ट कर सकते हैं पैसिव्स में। और हम देख रहे हैं कि HNI इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे वो चीज कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी आपके चैनल के माध्यम से या फिर जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ये काफी लोग समझना चालू करेंगे तब इसका परसेंटेज और भी बढ़ सकता है। सो इक्विटी साइड में लार्ज कैप कैटेगरी में डेफिनेटली 15-20% आप शिफ्ट कर सकते हैं इनटू पैसिव फंड जो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। ऑन डेट साइड लगभग 40-50% या उससे भी ज्यादा काफी लोग एक्टिव से इंडेक्स फंड स्पेशली टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके तो ये एक चर्चा हुई आज हमारी इंडेक्स फंड पैसिव स्ट्रेटजी और खासतौर पर एक्टिव स्ट्रेटजी पर भी आज हमने चर्चा की। हमारे साथ निरंजन अवस्थी शामिल हुए शो में और साथ ही फिरोज अजीज, आपका भी बहुत धन्यवाद करते हैं मनी गुरु में आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए ZEE Business।